तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो काफी इंपोर्टेंट हैं आपके, चाहे वो एग्जाम बिहार पीसीएस हो, चाहे बिहार एपीओ हो, चाहे यूपी पीसीएस हो या यूपी एपीओ का आरओ का एग्जाम हो, तो काफी इंपोर्टेंट रहेंगे ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करने वाला हूं, एआईआईबी या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। आप लोग याद रखोगे पहले तो एआईआईबी की फुल फॉर्म काफी इंपोर्टेंट है। व्हाट इज दिस एआईआईबी? एआईआईबी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एंड इट वाज फॉर्मड इन 2016। आप लोग याद रखो कब बनाया गया है, 2016 में बनाया गया, 2016 में। और आप लोग याद रखना एक बात कि चाइना के द्वारा ये सबसे बड़ी पहल उठाई गई थी, और चाइना के द्वारा इसलिए उठाई गई बिकॉज वर्ल्ड बैंक हो तो वर्ल्ड बैंक पर ज्यादा कब्जा है यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज का, अगर एडीबी हो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो तो ज्यादा जो उसमें शेयर है वो जापान का है। तो एआईआईबी जो है 2016 में बनाया, जिसका हेडक्वार्टर भी आप लोग याद रखोगे बीजिंग चाइना में है, बीजिंग चाइना में, ठीक है जी, इतना याद रखोगे। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो इंडिया है, इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस बैंक, इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर, मतलब इंडिया जो है संस्थापक सदस्य है, कि इंडिया इसमें बनाने में शामिल था विद 51 कंट्रीज, मतलब 51 देशों के साथ में से बनाने में शामिल था। और अगली बात, इसमें जो सबसे ज्यादा शेयर है, अगर मैं बात करूं जो सबसे ज्यादा इसमें हिस्सेदारी है, लार्जेस्ट जो शेयर है वो इसमें चाइना का है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई इसका जो चेयरमैन है, जो इसका चेयरमैन है वो है जिन लिक्विन, जिन लिक्विन, और वो भी कहां का है, चाइना का, ये थोड़ा याद रखोगे। और इंडिया इसका तो काफी इंपोर्टेंट है, एआईआईबी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है जी, हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना, 2016 बना, इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर विद 51 कंट्रीज। टुडे जो है, मतलब आज जो है वर्तमान में अबव 70 कंट्रीज इसमें शामिल है, इतना याद रखोगे। अभी यूपीएससी जो सिविल सेवा की परीक्षा थी 2019 में, उसमें पहला एक स्टेटमेंट, जिस पर इस बैंक पर दो स्टेटमेंट दिए गए, पहला स्टेटमेंट था कि इसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी चीन की है, वो सही बात थी, दूसरा पूछा गया कि इसमें कोई भी एशिया के बाहर का देश नहीं है, वो गलत था, बिकॉज जब 70 कंट्रीज हो तो एशिया को 70 से ज्यादा, लग मतलब अराउंड लगभग 46 है, तो 70 का मतलब तो एशिया के बाहर के भी देश होंगे। तो याद रखोगे एआईआईबी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इट वॉज फाउंडेड 2016, बीजिंग में हेडक्वार्टर है इसका चाइना में, इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर, लार्जेस्ट शेयर चाइना का, और चेयरमैन भी जिन लिक्विन है, और अबाउट 70 कंट्रीज में मेंबर्स है। सफाई करने के लिए कुछ है, तो आप लोगों ने देखा एआईआईबी काफी इंपोर्टेंट है, काफी इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, बस आपको दो चार बात याद रखनी है। एआईआईबी का फुल फॉर्म 2016 में बना, हेडक्वार्टर बीजिंग में, और एआईआईबी जो है इंडिया का फाउंडिंग मेंबर है, आज वर्तमान में इंडिया तो मेंबर है ही, बल्कि 70+ कंट्रीज है। एआईआईबी में ज्यादा शेयर चीन का है, दैट्स व्हाई जिन लिक्विन का चेयरमैन भी कहां का है, चीन का है। दूसरा बात कर ले, जब बैंक की बात आ गई तो हम लोग बात कर लेते हैं एडीबी की, जिसे हम लोग बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट या एशियाई विकास बैंक, ठीक है जी, एशियाई विकास बैंक काफी इंपोर्टेंट है। मैंने बताया कि एडीबी में ज्यादा जो शेयर है वो जापान का है, दैट्स व्हाई चाइना ने एआईआईबी को बनाने का कदम उठाया था। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये आप लोग याद रखोगे 1966 का है, हेडक्वार्टर इसका मनीला में है, हेडक्वार्टर मनीला, दैट इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस, इतना याद रखोगे। और इसका जो है 1966 में बना, हेडक्वार्टर मनीला में है, और एडीबी में जो लार्जेस्ट शेयर है, लार्जेस्ट शेयर है वो याद रखोगे, इसमें लार्जेस्ट शेयर जापान का है, जैसे एआईआईबी में चीन का था, और ऊपर से मेंबर्स जो हैं इसमें 69 है, याद रखोगे एशिया से बाहर के कंट्रीज में भी है। इसका भी जो चेयरपर्सन है, या हम कह सकते हैं चेयरमैन है, वो असाकावा है, असाकावा, वो भी जापानीज है, तो इतना याद रखोगे आप लोग। तो एडीबी, इट वॉज फॉर्मड इन 1966, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस, एंड लार्जेस्ट शेयर वो मतलब जापान का है, और 69 मेंबर्स है, तो इसमें भी एशिया के बाहर के देश होंगे, सिंपल सी बात है, चेयरमैन असाकावा है, जापानीज है,
नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं अगले बैंक की जो काफी इंपोर्टेंट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और न्यू डेवलपमेंट बैंक को समझने के लिए आपको समझना होगा ब्रिक्स को। तो पहले बात कर लेते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स जो है, याद रखो इसका, जो अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो पहले बात हुई ब्रिक, हां जी, जिसमें बात करें ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। याद रखोगे ब्रिक्स था ये, और इसका जो फर्स्ट समिट हुआ, जो बनने की बात आई, ये 2009 में बना, और 9 में इसका जो फर्स्ट समिट हुआ रशिया के यकतिनबर्ग में हुआ। यकतिनबर्ग रशिया में एक जगह है यकतिनबर्ग, इसमें फर्स्ट समिट हुआ 2009 में, इतना याद रखोगे। और 2000 ये ब्रिक था उस समय, उसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना केवल थे। लेकिन 2010 की बात करें तो ब्रिक में जो है प्लस, इसमें साउथ अफ्रीका और जुड़ा, दक्षिण अफ्रीका कंट्री और जुड़ा, तो ये बन गया ब्रिक्स। इतना याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद जो भी याद रखना है इसमें, याद रखना कि इसका जो 10th समिट है, जो 10वां सम्मेलन हुआ ब्रिक का, है जी, ब्रिक्स का सॉरी, वो हुआ था मतलब 2018 में, इतना याद रखेंगे हम लोग। और वो हुआ था जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। बिकॉज अब इसके कंट्रीज जो है मेंबर्स है, 5 कंट्रीज है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड आखिर में 2010 में जुड़ा साउथ अफ्रीका, तो सम्मेलन भी इन्हीं कंट्रीज में होंगे। ऊपर से याद रखोगे जब 10वां हुआ और इसका जो सम्मेलन चलता है लेटर वाइज चलता है, मान लीजिए साउथ अफ्रीका में हुआ है तो अगला कहां होगा, ब्राजील में, फिर उससे अगला कहां होगा, रशिया में, उससे अगला चाइना में, उससे अगला इंडिया में, उसका अगला चाइना में, फिर साउथ अफ्रीका, फिर ब्राजील। तो आप लोग याद रखोगे 11वां 2019 में कहां हुआ होगा, ब्राजील, ठीक है। अगला 12वां जो है इसका 2020 में जो भी गया है कहां हुआ होगा, रशिया, ठीक है। अगला जो है 13वां इसका मोस्ट इंपोर्टेंट 2021 में कहां होगा, इंडिया। तो थोड़ा ध्यान दोगे इस चीज पर, बालकों वाली चीजें हैं, बच्चों वाली चीजें हैं, ठीक है जी। तो 11वां होगा 2019 में ब्राजील, 2012वां 2020 में रशिया, 13वां 2021 में इंडिया। बिकॉज लेटर्स के कॉम्बिनेशन से याद रखोगे, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ऐसे ही पूरा सर्किल एंटी क्लॉकवाइज चलता रहेगा ये। आगे बात करते हैं, अब ब्रिक्स में जो है याद रखोगे, ब्रिक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपको याद रखना ही है 10वां कहां हुआ, 11वां कहां हुआ, 12वां कहां हुआ। लेकिन इसका सबसे इंपोर्टेंट है 6th ब्रिक्स समिट। और ब्रिक्स समिट जो कहां हुई थी वो इंपोर्टेंट है फोर्टेलेजा में। फोर्टेलेजा जो जगह है याद रखोगे वो ब्राजील में है, ठीक है जी। 6th जो समिट हुई थी वो कहां हुई थी, फोर्टेलेजा में, ब्राजील में। और इन्हीं कंट्रीज ने बनाने की बात करी न्यू डेवलपमेंट बैंक। आपसे पूछने लगे कि ब्रिक्स के बैंक का क्या नाम है, तो क्या बताओगे, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक या न्यूतन विकास बैंक। काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि ये जो 6 समिट हुआ था ये 2014 में हुआ था, तो यही न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो जो है इंपोर्टेंट है, कब बना, 2014 में, सही है, काफी इंपोर्टेंट है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, हेड जो क्वार्टर है इसका, भाई साहब याद रखोगे वो हुआ संघाई में, और संघाई इज सिचुएटेड इन चाइना, काफी इंपोर्टेंट है भाई साहब, ठीक है जी। और इसमें अगर शेयर्स की बात करूं मैं, शेयर्स की, तो 5 कंट्रीज है, 20-20% शेयर्स ईच है हर कंट्री के, काफी इंपोर्टेंट है। इसका जो चेयरमैन है, बिकॉज अभी बना था तो चेयरमैन फर्स्ट जो है वो तो याद रखने ही रखना आपको, केवी कामत, ठीक है, याद रखोगे कि पहला चेयरमैन कौन था, केवी कामत, है जी। और एट प्रेजेंट जो अभी नए बने हैं वो है मार्कोस पराडो ट्रोइजो, ये काफी इंपोर्टेंट है कि एनडीबी का नया चेयरमैन कौन बना है, काफी इंपोर्टेंट। और एनडीबी जो है वो ब्रिक्स ने 2014 ब्रिक्स कंट्री 2014 बनाया इन द फोर्टेलेजा का समिट, एंड ब्रिक्स वाज फॉर्मड इन 2014, हेडक्वार्टर इन संघाई चाइना, एंड शेयर्स 20% ईच, और चेयरमैन केवी कामत, और एट प्रेजेंट जो है मार्कोस पराडो ट्रोइजो, काफी इंपोर्टेंट रहेगा। उसके बाद हम एक संगठन की ओर बात करते हैं, आज इतना ही काफी रहेगा, 4-5 संगठन आप लोग याद कीजिए। अगले संगठन आपको कौन सा चाहिए, किस चीज पे वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा एक बार, ठीक है। अगले मैं बात कर लेता हूं इसकी, आपके जो भी एग्जाम में रहेगा इंपोर्टेंट, जो भी आपके एपीओ में आने वाला है मुझे बता दीजिएगा, मैं उसी पर वीडियो बना दूंगा। तो अगली जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे G7 पर, G7 या ग्रुप ऑफ सेवन, बिकॉज नाम से पता चल रहा है कितने कंट्रीज होंगे, 7। 7 कौन कौन से, पहले आपको यही जानना है, USA, कनाडा, UK,
जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड जापान। आपको तो पहले यही पता होना चाहिए कितने कंट्रीज है, 7 कंट्रीज है, यूएसए, कनाडा, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड जापान। याद रखोगे, नोट पॉइंट बना के, काफी इंपॉर्टेंट है। 2014 में इससे अलग हुआ रशिया, मतलब जो क्रीमिया, क्रीमिया आप लोग जानते हो, क्रीमिया इज द पार्ट ऑफ यूक्रेन जो ब्लैक सी में है, तो उनके बीच विवाद को लेकर रशिया जो है 2014 में G7 से अलग हुआ, और पहले ये G8 हुआ करता था। तो यही इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कि G8 से कौन सा देश अलग हुआ था, तो कौन सा हुआ था, रशिया, और ये कन्वर्ट हो गया G7, आज ये G7 है जी। तो इसलिए इसका जो समिट है, क्योंकि इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, इसकी चेयरमैनशिप की जाती है, जो इसकी समिट्स है वो आपको याद रखनी होगी। इसकी जो है 45 समिट जो है 2019 में 45 हुआ, वो हुआ था फ्रांस में, काफी इंपोर्टेंट है। मोदी जी को रेड कार्पेट पर स्वागत किया था गया था फ्रांस में, फ्रांस में जगह थी, मोस्ट इंपोर्टेंट बियारिट्ज, काफी इंपोर्टेंट है। 46वां जो है 2020 में ये वर्चुअल हुआ है, ऑनलाइन हुआ, मतलब कोरोना की वजह से, ये यूएसए में हुआ। और 47वां काफी इंपोर्टेंट भाई साहब है जी, 47वां 2021 में इसका होगा यूके में, और यूके के प्रेसिडेंट जो है बोरिस जॉनसन, वो मोदी जी को इनवाइट कर रहे हैं, ये काफी इंपोर्टेंट है। यूएसए, कनाडा, यूके, जर्मनी, फ्रांस एंड इटली, जापान, एशिया का एक ही देश है जापान है जी, नॉर्थ अमेरिका से कनाडा और यूके हैं, यूरोपियन कंट्रीज है जर्मनी, फ्रांस, इटली है जी, एक ये सॉरी कनाडा और यूएसए तो हो गया आपके नॉर्थ अमेरिका से, यूके, जर्मनी, फ्रांस एंड इटली हो गए आपके यूरोपियन कंट्रीज, और एशियन कंट्रीज है जापान। 2014 में इसके इसमें जो है अलग हुआ था रशिया, डेट्स व्हाई G8 कन्वर्ट हो गया G7 में। समिट जो है 45वीं 2019 में फ्रांस में याद रखोगे, और फर्स्ट भी अगर याद रखने चाहो आप लोग 1975 में, क्योंकि बिकॉज 1975 बना था ये, तो वो भी फ्रांस में हुआ था, ये भी याद रखोगे 1975 में बना था। और आपको ये पता होना चाहिए इसी ने, मतलब G7 ने जो है बनाया था, काफी इंपोर्टेंट है, G7 के द्वारा ही बनाया गया था, लिस्ट जारी करता है और ब्लैक लिस्ट जारी करता है, जिसे बोलते हम लोग, दिमाग से निकल गया एक बार, तो यही G7 के द्वारा ही काफी इंपोर्टेंट है, आप लोग याद रखोगे। एक संगठन है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, FATF है जी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, आपको ये याद रखना है कि FATF किसके द्वारा बनाया गया था, तो G7 के, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जारी करता है ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, ये याद रखोगे। FATF किसने बनाया, तो बात याद रखोगे आप लोग, G7 ने, ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट, मतलब ये मनी लॉन्ड्रिंग की बात करता है, मनी लॉन्ड्रिंग व्हाट इज दिस, जो आतंकवादी गतिविधियों को फंडिंग की जाती है उनको लेकर यह बात करता है। जो भी अगर लगता है कोई देश की आतंकवादी गतिविधियों को फंडिंग की जा रही, तो ग्रे लिस्ट में होगा, प्रूफ हो गया कि यह जो है आतंकवादी गतिविधियों को पैसा भेजा जा रहा है, तो वो फिर ब्लैक लिस्ट में होगा। आपको पता भी होगा पाकिस्तान को भी ग्रे लिस्ट में शामिल और ब्लैक लिस्ट में शामिल करने की बात कर रहे थे। और लास्ट ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करने वाले हैं अभी, जिसका नाम है काफी इंपोर्टेंट, एक 2 मिनट का ऑर्गेनाइजेशन, छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है जो काफी न्यूज में चल रहा है जी, BA4 ब्राजील, S4 साउथ अफ्रीका, I4 इंडिया एंड C4 चाइना। अब ये क्या है, बेसिक 4 देशों का संगठन है, काफी इंपोर्टेंट है, 2009 में बना है, इतना याद रखोगे। और ये क्यों बना, क्योंकि आपको पता होगा ये पूरा का पूरा रिलेटेड है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से। फर्स्ट समिट जो एनवायरमेंट कन्वेंशन होगा, पहला पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन, पहला पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन आप लोग सब जानते हैं 1972 में हुआ था स्टॉकहोम में, ठीक है जी। लेकिन पर्यावरण में एक सम्मेलन हुआ था 2009 में, जिस जो जगह थी कोपनहेगन जो है वो डेनमार्क की कैपिटल है। कोपनहेगन में सम्मेलन हुआ था, और उसी में जो है कोपनहेगन समिट में ही बेसिक का गठन हुआ था। बस आपसे यही पूछेगा उसमें कितने कंट्रीज है, बिकॉज इसकी मीटिंग हुई 2019 के पेरिस सम्मेलन में, सीट मतलब आपके जो आपका COP25 हुआ था, और इन कंट्रीज ने तो सम्मेलन को जो है बहिष्कार किया था। आप लोग इतना ही रखते हैं आज हम लोग, अगर किसी कोई भी रिक्वायरमेंट, कोई भी दिक्कत, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, जो भी नया टॉपिक होगा हम लेकर आएंगे।